बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं सर सैयद कॉलेज में 35 इयर्स केमिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ और वहाँ से एज अ प्रिंसिपल जो है रिटायर हुआ हूँ और आजकल मैं हार्वर्ड कॉलेज में एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। हार्वर्ड कॉलेज की तरफ से आज हम वीडियो क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम वीडियो क्लासेस में केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की किताब को कवर करेंगे। इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे और प्रीवियस पेपर जो हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। इसका टाइटल है स्टिश्यूमीट्री। व्हाट इज़ स्टिश्यूमीट्री? स्टिश्यूमीट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। पहले हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में तीन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसके बगैर केमिस्ट्री जो है, यानी केमिस्ट्री में कौन सी तीन इम्पॉर्टेंट जो हैं ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर केमिस्ट्री जो है मुकम्मल नहीं होती, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सिंबल, नंबर 2 फार्मूला एंड नंबर 3 केमिकल इक्वेशन। सिंबल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय उसको किसी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो जो एब्रीवेशन होगी डैट इज सिंबल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हम पूरा ना लिखें, कैपिटल एच लिख दें तो दिस एच इज सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। सिंबल जो है ये वन एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला, जब एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नई चीज़ बनती है तो उस नई चीज़ को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड फार्मूला ऑफ वाटर। यानी फार्मूला जो है ये कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन किसी केमिकल चेंज को जब हम सिंबल और फार्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे डैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद सल्फर एंड फॉर्म आयरन सल्फाइड। आयरन हमने सिंबल यूज़ किया, Fe सल्फर का सिंबल यूज़ किया और FeS कंपाउंड इसका फार्मूला। यानी जब आप किसी केमिकल चेंज को, दिस इज़ केमिकल चेंज, आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आयरन और सल्फर ये रिएक्टेंट है और आयरन सल्फाइड जो है ये प्रोडक्ट है। इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, दी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इस कॉल्ड स्टिच्यूमीट्री। क्लियर हो गया? अब ये केमिकल इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है? आयरन प्लस सल्फर गिव आयरन सल्फाइड। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वन मोल आयरन वन मोल सल्फर के साथ रिएक्ट करके वन मोल आयरन सल्फाइड बनाए, नंबर 1। नंबर 2 ये इन्फॉर्मेशन भी है कि वन एटम, जब हम सिंबल लिखते हैं मैंने आपको बताया कि वो एक एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वन एटम आयरन का एक एटम सल्फर का कंबाइन होता है और आयरन सल्फाइड बनता है, इसको क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट। ठीक है, यानी आपको ये इक्वेशन ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि एक मोल आयरन का एक मोल सल्फर का कंबाइन होकर एक मोल आयरन सल्फाइड का बनता है, या एक एटम जो है आयरन का एक एटम सल्फर के साथ मिलकर एक फार्मूला यूनिट बना रहा है आयरन सल्फाइड का। एक और एग्जांपल अगर हम लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो टू मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ एटम नहीं है, एटम केमिकली कंबाइन होते हैं, जो चीज़ बनती है उसको कहती है मॉलिक्यूल, तो दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन गए, तो ये कोफिशिएंट 2 जो है इंडिकेट करता है टू मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं और टू मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं, या टू मोल हाइड्रोजन के वन मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टू मोल वाटर के बनाते हैं। अब ये रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, एक मोल एक मोल ये एक मोल, दिस इज क्वांटिटी।
टू मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, दिस इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहलाती है स्टोइकोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम केमिकल इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस करते हैं वो करेंगे। तो न्यूमेरिकल से पहले जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मोल, कि व्हाट इज मोल। जैसे केमिस्ट्री सिंबल, फार्मूला और इक्वेशन से कंप्लीट नहीं होती, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप कह लें कि केमिस्ट्री की शॉर्ट हैंड है, सिंबल, फार्मूला और इक्वेशन। इसी तरह केमिस्ट्री में मैं इसको कहता होता हूँ कि ये केमिस्ट्री का दिल है, दी हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का दिल क्या है? दिल ऐसे ही बनाते हैं। दिल क्या है केमिस्ट्री का? वन मोल, यानी मोल जो है वो केमिस्ट्री का दिल है। यानी जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई चीज़ आपने बनानी है तो आपको मोल से वास्ता पड़ेगा। अब दिल जो है ये कुछ क्वांटिटी भी है, यानी मास, इसका यूनिट ग्राम है। तो जब हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, इन तीनों को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मोल। यानी सपोज सोडियम है, इसका एटॉमिक मास है 23, तो जब आप 23 ग्राम लिखेंगे इट मीन वन मोल सोडियम। यानी आपने एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, ये वन मोल होगा उस सब्सटेंस का। सोडियम क्लोराइड है, दिस इज फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं, तो इस फार्मूला यूनिट में सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, दिस इज 58.5, इस फार्मूला मास, फार्मूला मास। तो जब आप इस फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस इज वन मोल सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? इसी तरह वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18। तो जब आप 18 ग्राम लिखेंगे दिस इज वन मोल वाटर। यानी दिल जो है ये कुछ क्वांटिटी है, यानी मास है, मास का यूनिट ग्राम है। तो ये तीन चीज़ें जब ग्राम में एक्सप्रेस होंगी दिस इज वन मोल। अब मोल जो है, जैसे दिल है ये कुन पार्टिकल से मिलके बना है, यानी हर चीज़ जो है बायोलॉजी में कहते हैं कि वो सेल से मिलके बनी है। तो दिल जो है ये एक आर्गन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये बहुत से सेल से मिलके बना है। तो यहाँ सेल्स में, सेल की बजाय सॉरी हम क्या कहेंगे, पार्टिकल्स। तो 6.02 × 10³, यानी इतने पार्टिकल्स मिलते हैं तो एक दिल बनता है, एक मोल बनता है। अब ये पार्टिकल्स क्या है? ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वन मोल के इक्वल होगा, यानी 6.02 × 10³ अगर सोडियम एटम है तो ये वन मोल सोडियम होगा। इसी तरह 6.02 × 10³ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वन मोल वाटर होगा। इसी तरह 6.02 × 10³ सोडियम आयन है तो ये वन मोल सोडियम आयन होगा। अब दिल जो है ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम, जैसे ये पार्टिकल हो गए, मास हो गया, वॉल्यूम। तो ये जो दिल का वॉल्यूम है ये 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है एट एसटीपी। जैसे बाज जगहों पे लिखा होता है ना फॉर लेडीज़ ओनली, जैसे ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा होता है फॉर लेडीज़ ओनली, ये वॉल्यूम की टर्म जो है ये सिर्फ गैसेस के लिए यूज़ करेंगे, फॉर गैसेस ओनली। यानी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी डैट इज़ कॉल्ड वन मोल ऑफ डैट गैस। फॉर एग्जाम्पल 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू वन मोल। यानी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको मोल जो है उसका कंसेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोल। मेरा ख्याल है मोल अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल जो है किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में, किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में, किसी कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, वो वन मोल होगा उसका। और जैसे दिल जो है इतने पार्टिकल से मिलके बना है, तो ये पार्टिकल जो हैं एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और ये नंबर कितना है 6.02 × 10³
इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। और इसी तरह जो वॉल्यूम है ये गैसेस के लिए है कि एसटीपी पे 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी दैट इज कॉल्ड वन मोल ऑफ दैट गैस। मेरा ख्याल अब आपको मोल जो है ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ मोल, क्योंकि इसके बगैर ये चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं होता। मोल आपको मालूम होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास 46 ग्राम सोडियम और मोल कितने हैं, ये क्वेश्चन है। तो मोल फाइंड करने के लिए जो क्वांटिटी ग्राम में बताई जाती है इसको डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ वन मोल, यानी सोडियम जो है 46 ग्राम है और सोडियम का वन मोल का जो मास है वो 23 ग्राम है, तो ये 2 मोल हो गए। क्लियर है। इसी तरह वाटर जो है 9 ग्राम है तो कितने मोल होंगे। मोल बनाने के लिए क्या करना है, जो क्वांटिटी ग्राम में है इसको डिवाइड कर देना है मास ऑफ वन मोल। तो वाटर 9 ग्राम है और वाटर का जो मोलर मास है, मास ऑफ वन मोल को मोलर मास भी कहते हैं, दिस इज मोलर मास, तो 18, तो ये 0.5 मोल। मेरा ख्याल है क्लियर है आप, ठीक है। इसी तरह आपको अगर नंबर ऑफ एटम बताए गए हों तो मोल कैसे फाइंड करने हैं, तो ये हम देखते हैं। देखें जैसे हम बाज़ार जाते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो सबसे पहला काम जो है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप जो जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लें, ताकि आप उस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें जो हैं ख़रीदते जाएं और टिक करते जाएं कि ये चीज़ मैंने ख़रीद ली है। न्यूमेरिकल करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए मोल बहुत ज़रूरी हैं। मोल फाइंड करना, फिर मोल से एटम कैसे फाइंड करने हैं, मोल से मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करने हैं, तो इसके लिए एक सीक्वेंस जो है वो आपको याद करना है। फ़र्ज़ करें आपको किलोग्राम बताए गए हैं, तो आपने किलोग्राम से ग्राम बनाने, किलोग्राम से ग्राम कैसे बनते हैं ये मेरा ख्याल क्लियर होगा कि किलोग्राम जो है इनको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ग्राम बन जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको वॉल्यूम बताया गया होता है और डेंसिटी दी गई होती है और पूछा ये जा रहा होता है कि मोल, तो आप पहले डेंसिटी और वॉल्यूम से ग्राम फाइंड करेंगे। तो ग्राम फाइंड करने के लिए, क्योंकि डेंसिटी आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास किसके इक्वल हो गया, डेंसिटी इनटू वी, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको कोई सैंपल बताया गया होता है, उसकी क्वांटिटी दी हुई होती है और उसमें किसी कंपोनेंट की परसेंटेज दी होती है, परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, तो उस सूरत में क्या करना है आपको, आपको पहले ग्राम बनाने हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि 40 ग्राम सैंपल है एल्युमिनियम का, जिसमें 90% एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के मोल कितने होंगे, तो पहले आपको क्या करने हैं, ग्राम बनाने। ग्राम बनाने के लिए जो परसेंटेज है उसको 100 पे डिवाइड करके सैंपल जो है उसके मैं से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 90/100 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये 36 ग्राम आ जाए। क्लियर हो गया। ग्राम के बाद आपने मोल बनाने, अब मोल ग्राम से कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मोल बनाने के लिए जो नंबर ऑफ ग्राम्स हैं उसको डिवाइड कर दें मास ऑफ वन मोल ऑफ डेट सब्सटेंस, तो ये मोल बन जाएंगे। अब मोल आपने बना लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये एटम बता दें, मॉलिक्यूल बता दें कितने हैं, तो आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, एटम फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, आयन फाइंड करने हैं, तो पहले आपको मोल जो है वो फाइंड करने होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कहीं पे जो है शॉपिंग जो है वो डॉलर में होती है और आपके पास कोई और करेंसी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मनी चेंजर के पास जाकर डॉलर जो है उसमें चेंज करानी है अपनी करेंसी और फिर शॉपिंग करनी। इस तरह आपको कोई भी चीज़ इनमें से दी गई है, वॉल्यूम, डेंसिटी, किलोग्राम, सैंपल, ये आपने क्या करना है, पहले उनके मोल बनाने। मोल बनाने के लिए ग्राम्स के थ्रू आप आएंगे मोल पे, ठीक है। मोल आपने फाइंड कर लिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये कितने हैं, ये भी क्वेश्चन होता है जी। मोल आपने बना लिए, फर्ज करें 9 ग्राम वाटर है उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो आपने ये करना है
कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू मोल इनटू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये क्लियर है। फर्ज करें आपके पास है 9 ग्राम वाटर, इसमें आपने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये फाइंड कर दिए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मोल बना। मोल के लिए ग्राम को आप मास ऑफ वन मोल इस पे डिवाइड करेंगे, यानी मोलर मास में डिवाइड करेंगे। 9 को आपने 18 पे डिवाइड किया तो ये 0.5 मोल आ गए। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक बच्चा कहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। देखें, वाटर में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन, और इसके साथ दो हाइड्रोजन है, यानी इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में दो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि 6.02 इनटू 10 की पावर 23 कोवलेंट बॉन्ड है। एक बच्चा कहता है सर मीथेन इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है। भाई मीथेन के एक मॉलिक्यूल में आप देखें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल में 4 कोवलेंट बॉन्ड है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक जो है सेंट्रल एटम होगा, एक से ज़्यादा वाला नहीं पूछा जाएगा। जैसे कार्बन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, अमोनिया सेंट्रल एटम है, अमोनिया पूछा जा सकता है, वाटर पूछा जा सकता है, मीथेन पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जा, यानी एक सेंट्रल एटम। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो सेंट्रल एटम होंगे वो क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया जी। अच्छा,